इस खबर को देखिए, चिल्ड्रन पेड टू पेल्ट स्टोन्स इन कानपुर बिफोर द वायलेंस, बिरयानी वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड एंड फेड टू चिल्ड्रन मल्टीपल टाइम्स अलॉन्ग विद दिस, द यंगस्टर्स वर एजुकेटेड अबाउट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। तो साहब जब हमने आपको कहा था वही बात अब निकल कर आ रही है, धीरे धीरे करके ये बात सामने आ रही है कि बाकायदा पैसे देकर पत्थर फेंकवाए गए थे कानपुर में, और ये बात अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही है कि पत्थर पैसे दिए गए थे और पैसे देकर और बिरयानी का लालच देकर बच्चों से पत्थर फेंकवाए गए थे, बच्चों का इस्तेमाल हुआ था। खैर सबको पता है यही होता है हर बार, एक बनाया बयान आया जिसको लोग विवादास्पद बता रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा विवादास्पद क्या है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष का भड़काऊ बयान, बुलंदशहर में पूर्व सेनाध्यक्ष के सामने बोली, हिंदू धर्म पर अभद्र बोलने वालों की गर्दन उड़ा दी जाए। तो भाई जो हिंदू देवी देवताओं की अगर बारे में कोई बोलेगा तो गुस्सा तो आएगा ही ना, तो उनको गुस्सा आया और हम तो बड़े दिनों से देख रहे थे, हमने कभी तक किसी गुस्सा आया नहीं। तो कहते हैं अगर हिंदू समाज खड़ा हो गया तो देश में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सुनीता दयाल जी, सुनीता दयाल जी को भी हमारी तरफ से तो फुल सपोर्ट है, जब तक ये कंकंग की गुगा चिल्ला रहे तब तक हमारे यहाँ से भी ऐसा कोई तो होना चाहिए, कोई तो खड़ा हुआ ऐसा, सब चुप थे, कोई तो खड़ा हुआ ऐसा, ठीक है भाई उन्हें कंकंग की गुगा चुप करा लो तो यहाँ से ये भी इस प्रकार की बातें भी बंद हो जाएंगी ना, उसमें क्या दिक्कत है। गई अग्निवीर ठंडे वस्त्र में, ना अग्निवीर अग्नि है उसका नाम, ठंडे में नहीं जाएगी, गर्म ही रहने वाली, आप टेंशन मत लो। हाँ अगर आपको अपने बच्चों को भेजना है तो ज़रूर भेज देना, सेना में भेजना बहुत सम्मान की बात होती है, ठीक है ना। स्पॉन्सर का पैसा कट गया पर हुआ नहीं, ओहो यूट्यूब नौटंकी कर रहा, ये चक्कर है, कोई बात नहीं, उधर से गूगल पे से दूसरा सीधा सीधा रास्ता है ना। खैर चलिए और आगे चलें, हमने खबर आपको दिखाई थी कि दंगाइयों के रांची में, झारखंड में दंगाइयों के वहाँ पोस्टर लग गए और उसके बाद वो पोस्टर हटा भी देगा 10 मिनट के अंदर। पुलिस ने उस समय कहा था कि पोस्टर में कुछ त्रुटि थी, हम दोबारा लगाएंगे इस त्रुटि को दूर करें, और हमने क्या कहा था, ये पोस्टर कभी नहीं लगने वाले है ना, पोस्टर नहीं लगने वो तो छोड़ो। आगे देखिए, झारखंड गृह सचिव राजीव अरुण एक्का ने 10 जून को रांची में हुई हिंसा में शामिल व्यक्तियों पर के पोस्टर लगाने पर वरीय पुलिस अधीक्षक रांची को से स्पष्टीकरण मांगा। पत्र में कहा गया कि यह किस कानून के, ये कानून के मुताबिक नहीं है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ है। लो भैया ये लो। खैर तो साहब जो पोस्टर लगे थे उस पोस्टर पर उल्टा स्पष्टीकरण मांग लिया गया, आपसे कहा था। इसके बाद हमने एक छोटी सी चिट्ठी सरकार को भी लिखी थी, छोटी सी ज़्यादा बड़ी नहीं, और हमने ये उनसे निवेदन किया था कि आप इसकी कोई अथॉरिटी बना दीजिए, जैसे आपने इतने सारे रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई, इसकी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दीजिए, या कोई PSU टाइप का इसका बना के कंपनी छोड़ दीजिए। बहरहाल वो तो सरकार ने नहीं किया, कोई जवाब भी नहीं देती सरकार, लेकिन कुछ कर दिया। और वो क्या किया, वो ये रहा, फ्रांस में UPI और रुपे कार्ड की स्वीकृति के लिए NPCI और फ्रांस के इंटरनेशनल और लायरा नेटवर्क पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत एक महीने में 5.5 अरब UPI लेनदेन कर रहा है। फ्रांस के साथ आज का MOU एक बड़ी उपलब्धि है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव पेरिस में। कुछ समझ में आया, मैं बताता हूँ, फ्रांस में जाओगे ना भैया, वो जो रुपे कार्ड है ना जिसे कहा रहे, ये कहीं ना चलेगा, आपका मैनेजर कह रहा था आपका, ये कहीं नहीं चलेगा भाई साहब, वीजा मास्टर ही चलेगा, फ्रांस में रुपे कार्ड चलेगा, और वो UPI जो मैं बताता हूँ ना, ये UPI एड्रेस, ये UPI भी चलेगा, सब चलेंगे टकाटक, भीम UPI आपका, अब फ्रांस चले जाना, अभी सीमलेस पेमेंट करना ठक। अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हो गया बॉस, यदि ये दोनों का जो समझौता हुआ, एक तो होता कि वहाँ पर ये UPI चालू कर देते, एक होता कि समझौते के साथ चालू करना, यानी अब इसका ये मतलब हो गया कि जब रुपे कार्ड चल रहा है तो यानी अब भारत का रुपे कार्ड आप लेके गए, कोई डॉलर वॉलर में पैसा डलवाने की जरूरत नहीं है, खटाक स्वाइप करो फ्रांस में जाके ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगा, आपके खाते से पैसा कट जाएगा, यानी आपको डॉलर ले जाने की आवश्यकता खत्म हो गई, दिस इज द बेस्ट थिंग। और आज फ्रांस में हुआ है, कल पूरी दुनिया में होगा। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों लगी आग, 233 रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे दाम। भाई पाकिस्तान तो एकदम कंगाल होने की कगार पर, भारत का जो फॉरेस्ट रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार है, वो $600 बिलियन पर है और पाकिस्तान का महज $15 बिलियन पर, और उसमें 233 रुपये, कल शायद किसी ने 280 बता दिया था, लेकिन 233 रुपये का पेट्रोल मिल रहा है, 233। भारत में पेट्रोल बहुत महंगा है, इसलिए कहता हूँ फ्री मत देखा करो भाई, पौवा भाई पैसे देने का है, पौवा छोड़ूंगा नहीं मैं, पौवा अच्छा आ जाते, रोज हमको कोई ना कोई मिल ही जाता यार, अच्छा इनको भी चैन नहीं है बेचारे, यहाँ जाते हैं। चलिए शुभम शर्मा जी कहते कन्फ्यूज हूँ फला फला के बीच में, जिसका समझ में आए आपको, जिसका जो अच्छे से समझा पाए वो है। आइए गाना दिखाते हैं साहब, बच्चों को स्कूल तो भेजते ना आप लोग, किस लिए भेजते हैं, पढ़ने, और दिल्ली के स्कूल में तो कुछ और ही हो रहा है, देखें जरा आइए। ज़रा मुझे बताइए, ये बच्चियाँ अभी पैदा नहीं हुई हैं, इतनी छोटी बच्चियाँ, इन्हें ये अदाएँ सिखाई जा रही हैं, ये स्कूल है कि मुजरा घर है भाई, हम बच्चियों को पढ़ने भेजते हैं या मुजरा करने भेजते हैं, क्या सिखा रहे हैं यार। और मैं हैरान हूँ इनके माँ बाप कुछ बोलते नहीं, मुझे देखकर बुरा लग रहा है, ये कौन से बाप हो भाई, आप में से कितनों को ईमानदारी से बताइए, कितनों को बुरा लगा, कितनों को नहीं लगा, नहीं लगा वो भी आराम से लिखी, नहीं लगा फिर हो सकता है मेरा ही दिमाग खराब हो। आइए और देखें आगे, स्कूल का ऐसा नहीं, स्कूल का जस्ट इमेजिन, कहीं और का होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन स्कूल का डांस क्लास का कोई बात नहीं थी, स्कूल में क्यों हो रहा भाई, हाँ।
मैडम नाचे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये बच्चियाँ बहुत छोटी हैं, ये अदाएँ सिखाओगी आप, ये अदाएँ इन बच्चियों को किस लिए सिखाई जा रही हैं अदाएँ, मैं समझ सकता हूँ ज़रा। ये दिल्ली के वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं साहब, अरे भैया इसकी जगह जूडो कराटे सिखा दो, सेल्फ डिफेंस सिखा दो, किसी ने कहा बिल्कुल, क्या मतलब क्या हद है भाई। सर जी आप इस उम्र में भी इतनी कॉमेडी करते हैं, तो यही सोच रहा हूँ कि आप जब शादी नहीं हुई होगी उससे पहले यंग एज में आप कैसे रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। नहीं सर, कॉमेडी इसलिए होती ताकि लाइफ थोड़ा सा जो है लाइट बना रहे, बाकी व्यक्तिगत जीवन में कॉमेडी करता भी हूँ लेकिन सख्त भी बहुत हूँ, काफ़ी सीरियस टाइप का आदमी हूँ और डिसिप्लिन पसंद आदमी, तो कई बार ऐसा होता है बड़े बड़े लोगों को भी डांट सुनने को मिल जाती है, कई बार ऐसा होता है, और बड़े अहदे पर कोई आदमी होता है उसको भी डांट मिल जाती सुनने को। जैसे एक बहुत बड़े अहदे पे सज्जन थे और वो पुड़िया खा रहे थे, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आपने तो इस कुर्सी की शानी मिट्टी में मिला दी, तो एकदम से हकबका गए क्योंकि उनसे ऐसा आज तक किसी ने बोला नहीं था। मैंने कहा आपने तो रेड मार दी इस कुर्सी की, पुड़िया चबा कर बैठे हो आप इस पर, बिल्कुल ऐसी पुड़िया चबा कर बैठे हो। वो बिल्कुल ऐसे ऐसी शक्ल देख रहे थे मेरी कि यार आदमी ऐसे कैसे बोल सकता है, मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ। आप वो अभी आए थे ना, और जी सॉब नहीं, हम ऐसे बोल देते हैं, ओ शाही चुम्मू पे पुड़िया चबाटा हुआ जम नो का टाइम लग रहा है, चुमकू तो झाड़ू लगा दिया, मतलब चुमकू जो किसने बिठाया, तो बोल देते हैं। कम से कम कुर्सी पर बैठो, आप आईएएस हो, तमीज़ में तो बैठो यार, माना आपको आदत लग गई होगी कहीं से, और आप लोग भी बिल्कुल टोका कीजिए, छोड़िए मत ऐसे लोगों को। गुरु जी टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, वुड यू माइंड इफ भरतनाट्यम वाज नॉट, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भरतनाट्यम होता तो बिल्कुल माइंड नहीं करता। सर आप मेरी, आप शब्दों को नहीं पकड़े, मैंने शब्द कहे, या अदाएं किस लिए सिखाई जा रही हैं, वो बच्चियां अभी इतनी छोटी हैं, आप क्या सिखा रहे हो, उनके मन में क्या भर रहे हो। डांस में मना नहीं है, गंदपने के डांस में मना है, इस पर अच्छे स्टेप्स भी हो सकते थे, कोई मना ही नहीं है। हम क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, हम अभी से यही सब सिखा रहे हैं, क्या भागना सिखा रहे हैं बच्चियों को घर से, गलत है। मुझे, मैं तो भाई, मैं कम से कम, अब आप मुझे पुराने ख्यालात का फलाना ढिकाना कुछ भी कर लें, पर इन लड़कियों की उम्र नहीं है सर, इन बच्चियों की उम्र पढ़ने की है, है ना। अदाओं वाली उम्र आएगी तब वो भी सीख लेंगी, कोई बात नहीं, तब वो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आज बुरा लग रहा है टू बी वेरी फ्रैंक।